भारत में हार्ट अटैक जैसे बीमारियां यूं भी युवावस्था में अर्लियर एज में आती कंपेयर टू दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके मुकाबले। इसका कारण ये है कि युवाओं में होने वाली कुछ इश्यूज जैसे कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, अत्यधिक मानसिक तनाव, शारीरिक व्यायाम की कमी और अनहेल्दी खानपान, इन कारणों की वजह से युवाओं में हार्ट अटैक के मामले आजकल जल्दी देखने में आ रहे हैं। तो ये हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो एज अर्ली एज 15 से 20 साल के युवाओं में भी आजकल देखने में आ रही है। कोरोना वैश्विक महामारी में पूरे विश्व में पूरे मेडिकल फील्ड ने ये देखा कि कोरोना वायरस से लंग्स तो डैमेज हुए ही हैं, होते ही हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन शरीर का अफेक्ट हुआ है वो है हार्ट। हार्ट के में होने वाला डैमेज, हार्ट की पंपिंग वीकनेस, हार्ट की रिदम की गड़बड़ी जिसको अरिथमिया बोलते हैं वो, और हार्ट अटैक, ये तीनों का रूप ले सकता है। और ये तीनों ही चीज़ें इक्वल परसेंटेज के हिसाब से कोरोना के मरीजों में देखी गई है। ये बीमारियाँ पोस्ट कोविड फेज में भी देखी गई हैं कि कोरोना वाला इन्फेक्शन, जो कोरोना का इन्फेक्शन है तो वो वायरस तो शरीर से रिकवर हो गया बट फिर भी उससे होने वाले दुष्प्रभाव और जो साइड इफेक्ट्स हैं वो पोस्ट कोविड फेज में हार्ट को झेलने पड़े। कई मरीजों की इस स्थिति की वजह से, कई लोग इस स्थिति की वजह से मृत्यु का ग्रास भी बने हैं। तो ये तीनों आस्पेक्ट, हार्ट की पंपिंग में कमजोरी, हार्ट अटैक और हार्ट के रिदम में गड़बड़ी जिसे हम अरिथमिया बोलते हैं, वेंट्रिकुलर या सुपरा वेंट्रिकुलर, ये तीनों ही चीजें कोरोना के मरीजों में देखी गई हैं। औसतन महिलाओं और पुरुषों में हार्ट अटैक में उतना डिफरेंस नहीं है जितना देखने में आता है। वो इसलिए क्योंकि महिलाओं में जो हार्ट अटैक के लक्षण हैं वो कभी कभी एटिपिकल हो सकते हैं, बट ओवरऑल पुरुषों में हार्ट अटैक होने की रिस्क महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा होती है। हार्ट अटैक की समस्या आम है। इंसानों में होने वाली समस्त रोगों और व्याधियों में हार्ट की बीमारियां जो हैं वो अव्वल दर्जे पे है, सबसे अव्वल नंबर है उसका। इंसानों में होने वाली समस्त रोगों में हार्ट की जो बीमारियां हैं वो सबसे ज़्यादा देखने में आती हैं। हार्ट से संबंधित रोग हार्ट अटैक का रूप ले सकते हैं, हार्ट फेलियर का रूप ले सकते हैं, या फिर हृदय की जो गति है, हृदय की जो धड़कन है वो अनियमित रूप से धीमी, तेज़ या इरेगुलर होने का रूप ले सकते हैं। इनके कारण अलग अलग कारणों की वजह से होते हैं। हो सकता है कि हार्ट की जो नलियां हैं उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट अटैक का रूप ले लेती हैं। कभी कभी हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उसमें डैमेज होने की वजह से हृदय की गति कम हो जाती है या अत्यधिक तेज हो जाती है, तो ये ब्रेडिकार्डिया या टेकिकार्डिया का रूप ले लेती है। और कभी कभी हार्ट की जो पंपिंग वीक होती है वो हार्ट फेलियर का रूप ले लेती है। इन सब के बियॉन्ड सडन कार्डिक अरेस्ट जिसमें हार्ट चलते चलते अचानक बंद हो जाता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। हार्ट की बीमारियां अगर हम यूथ माने कि 30% 30 ईयर्स एज से कम यूथ बोल दें और 30 ईयर्स के ऊपर ओल्ड एज बोल दें या ये बोल दें एडल्ट बोल दें, तो ये रेशो देखा जाए तो 30% होगा। सो हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर की जो बीमारियाँ हैं वो 20 से 30% 30 वर्ष की उम्र में होती हैं। 40 कर दें, अगर 40 ईयर्स की एज मान लें तो ये परसेंटेज बढ़ जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा। 50 वर्ष की उम्र कर दें तो ये 50 हो जाएगा। तो 50% बीमारियां 50 साल की उम्र के नीचे देखी जा रही हैं और 50% बीमारियां 50 साल ऊपर देखी जा रही हैं। हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें तीन मुख्य एस्पेक्ट पे ध्यान रखना चाहिए। एक तो स्वस्थ आहार, तो हमारा खान पान अच्छा हो जिसमें अत्यधिक वसा, अत्यधिक प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, अत्यधिक रिफाइंड ऑयल्स का कंजम्पशन कम से कम हो। स्वस्थ विहार,
मतलब हम एडिक्वेट एक्सरसाइज करें, भले ही वो सिर्फ चलना हो, जॉगिंग हो, साइकिलिंग हो, योग हो, प्राणायाम हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, तो स्वस्थ आहार के बाद स्वस्थ विहार और उसके बाद स्वस्थ विचार। तो हमारा मस्तिष्क, हमारा मन अच्छे विचार रखें, प्रसन्न रहें, ज़्यादा तनाव, अवसाद या एंग्जाइटी ना रखें। तो स्वस्थ आहार, स्वस्थ विहार और स्वस्थ विचार से हम हृदय संबंधित रोगों से जितना बच सकते हैं बच पाएंगे। कोरोना का टीका उन लोगों को बिल्कुल लगाना चाहिए जिन्हें हृदय की बीमारी है, और उन लोगों को भी जिन्हें हृदय की बीमारी नहीं है। हृदय की बीमारी होने से कोरोना के टीका लगाने या नहीं लगाने पे कोई असर नहीं है। आज के युवाओं के लिए मेरा सलाह और मेरा रिक्वेस्ट यही है कि वे अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि वे आने वाले समय में भारत का आज बनने वाले हैं, प्रेजेंट बनने वाले हैं। तो हमें, हमारे युवाओं के लिए यही मेरी एडवाइस है कि वो अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का, अपनी जीवन शैली का बहुत ध्यान रखें। धूम्रपान, अत्यधिक भोजन, नो एक्सरसाइज जैसी चीज़ों में कम से कम रहें और अच्छी तरह अपने जीवन को यापन करें।